फूलों की बारिश हो रही है यहाँ। 360 गांव की सरदारी ये आपके बीच। और इस काम को इतना सफल बनाना है, इतना आज तक इतनी भीड़ इतना सफल काम नहीं हुआ हो, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा आदर, राम राम। फिलहाल आज गांव शिलानी जिला जगह मौजूद हैं, जो कि एक ऐतिहासिक काज होने वाला है और उसकी डेट दी जाएगी आज। बहुत ही आदर है सम्मान के अपने 360 के प्रधान सरदारी, बहुत ही आदरणीय आज यहाँ मौजूद है। और ये बाजू में ये इतना बड़ा जन सैलाब, काफी बड़े बड़े महान हस्ती आई हुई है और उनके पुत्र चौधरी गोवर्धन जी के 360 की सरदारी, उनके लड़के मौजूद हैं। एक दो बात मैं इनसे लेना चाहूंगा और आपके सामने रखूंगा। 360 गांव की सरदारी, उनके पुत्र ये मौजूद है पब्लिक के बीच। और ये मौजूद में मैं दिखाना चाहूंगा परली साइड में 360 गांव के प्रधान हमारे गोवर्धन जी आज जनता के बीच है। बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक काज होने वाला है, उसकी डेट देंगे। और एक दो बात उनके 360 गांव के छोटी सरदारी कह सकते हैं इनको, उनके सपूतर इनसे बातचीत करना चाहूंगा। नमस्कार जी। जी राम राम, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार आप भी अपना नाम और पहचान प्रधान का मौजूद है, लेकिन हमारी छोटी सरदारी भी जनता के बीच मौजूद है, एक बार आप भी अपना नाम दर्शकों को बताएं। जी, मैं प्रांशु गोवर्धन प्रधान जी, प्रधान जी का बेटा। जी जी, जी। आज वैसे प्रधान जी डेट डिक्लेयर करेंगे, इस महान ऐतिहासिक काज होने वाला है यहाँ। बिल्कुल जी, थोड़ा बताओगे आप लोग क्या क्या रखा गया है यहाँ, क्या प्रोग्राम होने वाला है? जी बिल्कुल, लोगों के मनोरंजन के भी कार्यक्रम करा जाएगा। 1 सितंबर को मेरे हिसाब से भी प्रधान जी डेट बताएंगे, वो कंफर्म करेंगे जो तारीख आज धरी जाएगी। तारीख धरने के लिए हम लोग आए आज यहाँ पे, और जैसे जैसे प्रधान जी आदेश करेंगे अपना भाइयों के साथ मिलजुल के, मैं उमंग तरंग आदित्य भाई हमारे साथ सारे मिलजुल के जी काज को पार लगाएंगे। जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें प्रधान जी देंगे उसको अपना निभाने की। समाज के ऊपर इतने बड़े मान सम्मान के साथ बैठे हैं आप लोग यहाँ, इतने लोगों का 36 बरादरी का प्यार, बड़े बड़े काफी महान हस्तियां प्रधान कई खातों के मौजूद लोग जुड़े हुए हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, ऐतिहासिक काज तो आप सही कह रहे हो ही रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे भाई भी बता रहे थे कि पहली बार हमारी कोई दलित समाज से दादी जी का काज करा जाएगा, तो ऐतिहासिक काज तो जी अपने आप में ही है। और बाकी सारी खापों के तपों के प्रधान हमारे प्रतिनिधि आए हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तिथि जो भी डिसाइड होगी तिथि रखेंगे और अपना जी जो कार्य हमसे बनेगा पूरी मेहनत के साथ जुट जाएंगे। 2 दिन पहले प्रश्न कुछ मैं आपके बंगले में भी गई हमारी पूरी टीम जी, वहाँ बताया है, लेकिन वहाँ दशहरी खिचड़ी प्रोग्राम आज डेट तय करेंगे, लेकिन उसमें बताया कुछ यहाँ सिंगिंग का प्रोग्राम भी होगा, उस दिन पूरा देसी घी का प्रोग्राम होगा, थोड़ा जनता को और बताओ इस बारे में। जी पूरा प्रोग्राम जो देसी घी का दशहरी काज करा जाएगा, पूरा खाना देसी घी में बनाया जाएगा, कार्यक्रम तो रखा जाएगा, काफी बढ़िया बढ़िया सिंगर हमारे भाइयों ने पहले ही उन्हें तैयार कर रखा है कि काफी कई गायक होंगे और भी कई तरीके के प्रोग्राम रखे जाएंगे, लोगों के मनोरंजन के लिए आएंगे, लोग देखेंगे, देखे तो सही खापे कैसे ठाट बाट से अपना अपने सब चीजों को साथ लेके चलते हैं, अपना जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से करते हैं। ये जो आपने हमारी छोटी सरदारी 360 गांव के प्रधान जो सपुत्र उनके विचार लिए और एक दो इनके सहयोगी हैं, काफी अजीत प्रसन्न है भी, कीमती चेहरे हैं, इनसे बातचीत करना चाहूंगा। सर जी नमस्कार जी, कैसे हो सर जी? बहुत अच्छा हूं। जनता को आप भी अपनी पहचान दो, हम तो जानते हैं लेकिन जनता रूबरू आपसे। मेरा नाम है आदित्य धनखड़, मैं ओम प्रकाश धनखड़ जी का बेटा हूं, जो भाजपा के नेता है, लेकिन पॉलिटिकल कार्यकर्ता से पहले हम सामाजिक कार्यकर्ता है, तो समाज के नाते परिवार के नाते आज इस हिस्सा बढ़ने का मौका मिला और परिवार के सदस्य के नाते आज इस पंचायत में आए हैं। जी जी जी, कैसा लग रहा है सर जी यहाँ पर पहुंच के, आप लोगों को इतने बड़े जो महान हस्तियां बैठी जनता के बीच में ये, और छोटी सरदारी के पास आप लोग बैठे हैं, इन्होंने अपने विचार दिए, तो यहाँ आगे आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो समाज की शान है वो खापे है, न्याय की मूर्त है वो खापे है, और जिस प्रकार प्रियांशु भाई ने बताया
हमारे जो गोदर प्रधान जी के सपुत्र हैं, उन्होंने बताया कि ये जो काज होगा ये ऐतिहासिक होगा। आज की जो पंचायत है, जो तारीख का ऐलान है, ये भी ऐतिहासिक है। और हमारी वाली जो नई जनरेशन है उसको भी इन सारे कार्यक्रमों से जैसे किस प्रकार हमारी खापे काम करती है वो भी सीखने का मौका मिलता है। और मैं तो बहुत उत्साहित हूँ और युवाओं को भी आना चाहिए खापों के कार्यक्रमों में, बस इतनी अपेक्षा करता हूँ। और ऐसे ऐतिहासिक कामों में युवा जनरेशन को भी काफी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। बिल्कुल, जिस प्रकार ये कार्यक्रम होगा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और खापों ने, हमारी जो 360 खाप है, उन्होंने एक भाईचारे का, 36 बरादरी का एक प्रतीक, एक तरीके से लगा लो ये जो जुड़ने का काम करा है और ये जो ऐतिहासिक काम करा है, तो उसमें युवाओं को आके देखना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम कई सालों में कभी कभी होते हैं और हमें भी ये अपने आंखों से देखने का सौभाग्य मिले। आने वाली जनरेशन को भी हम बताएं किस प्रकार से हमारी खापे काम करते हैं, इसलिए युवाओं को बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में बैठे हैं। नई जनरेशन को तो इस काज के बारे में अक्सर 90% तो पता ही नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नई जनरेशन को पता नहीं। जिस प्रकार से हमारे जो खापों के प्रतिनिधि हैं, अलग अलग उससे प्रधान लोग हैं, सारे आए हैं आके हम अपने बुजुर्गों का मान सम्मान के लिए देसी घी का भंडारा कर रहे हैं। इसमें हजारों की संख्या में, काफी हजारों की संख्या में लोग आएंगे, तो एक बुजुर्गों को मान सम्मान के लिए पूरा समाज इकट्ठा हुआ है। ये चीज नई जनरेशन को सीखने की जरूरत है। आज शहर बर्थडे बनाती है, केक काट के खत्म कर देती है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये समाज को जोड़ने का भी काम करता है और बुजुर्गों को मान सम्मान पहुंचाने का भी कार्यक्रम। थैंक यू। ये जो आप लोगों ने विचार सुने छोटे सरदारी के भी और छोटे धनखड़ साहब के भी, जो आज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक दो बातें मैं इनके सहयोगी और इनसे जानने की कोशिश करूंगा। एक मिनट साहब, प्रधान जी पकड़िए। ठीक है। हवा में इतना तो हो भाई। मैं फिर माड़ा हां सचिन जी।
दूर होता गाड़ी में बैठ लो श्री गोवर्धन जी आज गांव सिलानी जिला झज्जर के अंदर पहुंच गए हैं, जो एक बहुत बड़ा काज है उसकी शुरुआत का यहां प्रोग्राम है और आज यहां दिन तय करेंगे। और यहां मेरे पीछे देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी बड़ी मात्रा में बड़ी बड़ी खापे बड़े बड़े मान्यवर आदमी आए हुए हैं और यहां आज जो है देख रहे 360 गांव की सरदारी आज जनता के बीच 360 गांव की सरदारी ये आप सामने देख रहे हैं 360 गांव की सरदारी ये देख रहे हैं आप लोग। आज यहाँ पहुँच चुके हैं 360 गांव की सरदारी और बड़े काफिले के साथ आज ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में इनका काफिला आया हुआ है यहाँ और ये देख रहे हैं आप लोग। गांव सिलानी जिला झज्जर 360 गांव की सरदारी यहाँ पहुँची है अपने बड़े काफिले के साथ, ये देख रहे हैं आप लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में मान्यवर आदमी मौजूद आदमी आए हैं और यहाँ बड़े स्वागत के साथ बड़ा स्वागत किया जा रहा है इनका। फूलों की बारिश हो रही है यहाँ 360 गांव की सरदारी या आपके बीच ये देख रहे हैं आप लोग। तीन सौ साठ गाँव की सरदारी जनता के बीच आज पहुंची है, एक रहस्यमय काज होने जा रहा है उसकी डेट दी जाएगी आज, डेट ओपन करेंगे जनता के बीच। 360 गाँव के प्रधान पहुंचे हैं आज, इनसे मिलवाएंगे जनता से रूबरू करेंगे और साथ में इनका सपुत्र भी है। तीन सौ साठ गाँव की सरदारी श्री गोवर्धन जी बड़ी मात्रा में पुष्प वर्षा की जा रही है इनके ऊपर, फूलों की वर्षा श्री गोवर्धन जी 360 गाँव की सरदारी। हाथ में
बहुत ही आदर और सम्मान के के प्रधान पहुँच रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाँव वाले से प्रार्थना है, पब्लिक ऑप्शन प्रधान जी भी आ गए हैं साथ साथ, उनका भी स्वागत करें। तो ये गाँव वाले से प्रार्थना की बारह के प्रधान अशोका लोगामा के प्रधान श्री कपूर सिंह अठारह चौदह के सचेत पर व्यवस्था बना कर रखे, सबसे प्रार्थना है। सामने कुछ तरंग त्योहार भाई सुरेश नंबरदार जय किशन राजेश, तो ये तो अपने जो है दोनों लाडले भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस काम को इतना सफल बनाना है, इतना आज तक इतनी भीड़ इतना सफल काज नहीं हुआ हो, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। और तारीख 1/9/2024 जो इन्होंने अपने पंडित जी से सलवा रखी थी, हमने उसकी सहमति दे दी और जो इतनी संख्या में आए सिलानी गांव के चार भाप के सभी को तहे दिल से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और अपने सिलानी के प्रधान जी गांगचार काश्ता मका प्रधान जी आपको भी चलना है, प्रधान जी बोले भाई मैं नहीं चल सकता, मेरा पैर सीधा रहता मुड़ता नहीं है, मगर प्रधान जी चोटा लगकर सीधा रहे मुड़े रहा है, एक सीट कम कर दू आपकी भी चोटा लग दे गया, जहाज में हेलीकॉप्टर में लेकर आऊंगा और मैं कह प्रधान जी को हेलीकॉप्टर में लेके आया, ये हमारे बहुत ही आदरणीय बहुत ही अच्छे सच्चे इंसान है, मैं तो चाहूँ मेरी उम्र भी प्रधान जी को लग जाए। प्रधान जी का तहे दिल से दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जो हेलीकॉप्टर से आता हूँ पूरे दिन पसवा जाएगा हेलीकॉप्टर जो है, और एक बार भाई जो काज कर रहे हैं हमारे अंकल जी कमिश्नर उनके दोनों बेटे, एक बार इनका मैं स्वागत करूंगा भाई माड़ा फूलदस्त से, एक बार मेरे को दो जो है माला पहना कर स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान श्री कुंडू जी ये भी माला पहना कर स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मान सिंह साहब भी धन्यवाद कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। वजह से काज का कार्य शुरू हो जाएगा, प्रधान जी से यहीं पर खींचने का प्रोग्राम होगा, यहीं पर काज होगा। अभी मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत ही आदरणीय रिटायर्ड कमिश्नर आदर